सो हेगेन व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अकिल बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कुछ गेमिंग कैबिनेट्स। अगर आपका बजट है 5000 रुपीज़ और आप करना चाहते हैं परचेज गेमिंग कैबिनेट्स, तो यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। चैनल पर जो कि नया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस गाइस। और जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो यार चैनल को चूंकि फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वाले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार गाइस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है हमारे पास एनटेक्स एनएक्स 200 मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। तो यार ये इस वाला कैबिनेट में आप जो कि ATX माइक्रो ATX मिनी ATX जो कि मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। और कैबिनेट का लुक दिखे तो बहुत ही अच्छा लुक है इस कैबिनेट के सामने से। आपको एक स्ट्रिप टाइप की जो कि है RGB लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है और जो कि बीच में एनटेक की लोगो वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप जो कि इस वाले लाइट्स को जो कि मदरबोर्ड की सहायता से जो कि कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं आपको जो कि एक प्री इंस्टॉल्ड फैन देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आपको एक ऑडियो माइक पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट, दो USB 2.0 पोर्ट और एक पावर पोर्ट, पावर बटन, एक रीसेट बटन देखने को ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है। और ऊपर की तरफ डस्ट फिल्टर भी आपको देखने को मिल जाता है इस वाले कैबिनेट में गाइस। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस ये वाला। और जो कि आपको साइड में जो कि टेम्पर्ड ग्लास प्रोवाइड किया है इस वाले कंपनी ने गाइस, एनटेक ने साइड में आपको जो कि एक टेम्पर्ड ग्लास, फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। सामने का लुक देख सकते हैं आप जो कि बहुत ही अच्छा लुक है गाइस। और ऊपर की तरफ आप जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए वेंट्स भी देख सकते हैं गाइस, जहाँ से जो कि कैबिनेट में एयर फ्लो जो कि होता रहेगा गाइस। आप साइड की बात कर ले तो आप रियर में 120mm का आपको एक फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आप जो कि 120mm के दो फैन या 240mm का एक रेडिएटर जो कि फिक्स कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप जो कि 120mm के दो RGB फैन या एक 240mm का रेडिएटर जो कि फिक्स कर सकते हैं। PS शॉर्ट भी आपको इस वाले कैबिनेट में देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस की बात कर ले तो 2629 रुपीज कुछ इसका प्राइस चल रहा है गाइस। अगर आप इस वाले कैबिनेट को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो कि मेंशनड है, आप जाके वहां से जो कि इस वाले कैबिनेट को जो कि परचेस कर सकते हैं। तो यार नेक्स्ट नंबर के कैबिनेट के बारे में बात कर ले तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है कैबिनेट। सो गाइस नेक्स्ट वाले कैबिनेट की बात करें तो हमारे पास है एनटेक की तरफ से ही आने वाला है NX210 जो कि ये NX200 का सक्सेसर है। आप देख सकते हैं इसका फुल डिजाइन पूरा चेंज हो गया। सामने की तरफ आपको 3 प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैंस देखने को मिल जाते हैं और सामने की तरफ टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है। साइड में आपको वेंट्स देखने को मिल जाते हैं गाइस, जहाँ से जो कि आपको एयर फ्लो होता रहेगा। साइड में आपको जो कि ये टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ एक 120mm का प्री इंस्टॉल्ड फैन देखने को मिल जाता है गाइस। और जो कि आप जो कि इसमें और भी फैंस वगैरह रेडिएटर वगैरह फिक्स कर सकते हैं। तो यार डिज़ाइन जो कि पूरा चेंज है और ऊपर की तरफ आपको जो कि एंटी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस ये वाला भी। ऊपर की बात करें तो गाइस ऊपर की तरफ आपको जो कि देखने को मिलता है एक रीसेट बटन और एक पावर बटन, एक 3.0 का पोर्ट USB पोर्ट, एक 2.0 का USB पोर्ट और ऑडियो माइक का पोर्ट आपको इस वाले कैबिनेट में देखने को मिल जाता है। और आपको जो कि इसमें डस्ट फिल्टर भी ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है गाइस, डस्ट आपके कैबिनेट से एंटर होने से बच जाएगी। और ऊपर की तरफ आप जो कि है दो 120mm के फैंस इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर एक 240mm का रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो कि साइड में साइड लुक की बात करें तो आपको इसमें PS शॉर्ट देखने को नहीं मिल जाती, ये बहुत बुरी बात है गाइस। अगर आपको PS शॉर्ट प्रोवाइड कर देती तो बहुत ही अच्छी बात होती है एनटेक की तरफ से गाइस।
साइड में आपको जैसे कि पता है 120mm के तीन फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, और रियर में आपको जो कि 120mm का एक फैन जो कि प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, और इसमें आप जो कि है तीन SSD और एक HDD को इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड जो कि आप 310mm तक इसमें फिक्स कर सकते हैं, CPU कूलर 155mm तक 160mm तक फिक्स कर सकते हैं, और PSU जो कि 220mm का ही होता है, 220mm का आप इसमें PSU पावर सप्लाई आपका फिक्स कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो गाइस 3500 की प्राइस है, बहुत ही अच्छी प्राइस है गाइस। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। सो यार नेक्स्ट वाले कैबिनेट की बात करें तो एक बहुत अच्छी ब्रांड की तरफ से, कूलर मास्टर की तरफ से नेक्स्ट वाला कैबिनेट आता है गाइस, जो कि है मोटोबॉक्स K501 LRGB मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। और जो कि इस वाले कैबिनेट में आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रंट व्यू बहुत ही अच्छा है गाइस, फ्रंट जो कि एंगुलर व्यू आपको प्रोवाइड करता है, फुली गेमिंग वाला व्यू सीन यहाँ पे क्रिएट करता है ये वाला कैबिनेट। सामने की तरफ आप जो कि कूलर मास्टर की जो कि ब्रांडिंग देख सकते हैं, और उसके साथ ही वेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, और सामने की तरफ आपको 120mm पे दो फैंस जो कि प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, फुल्ली गेमिंग वाला लुक ये आपको प्रोवाइड कर देता है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल है गाइस, और PSU शॉर्ट मुझे लगता है इस वाले कैबिनेट में प्रोवाइड नहीं की गई। और सामने की तरफ आप जैसे कि देख सकते हैं एक 2.0 का पोर्ट, एक 3.0 का USB पोर्ट, एक पावर केबल और एक ऑडियो और माइक का पोर्ट आपको इस वाले जो कि है कैबिनेट में प्रोवाइड किया गया है। ऊपर की तरफ आप जो कि आपको जो कि है एयर फिल्टर भी प्रोवाइड, डस्ट फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया है गाइस, जिससे कि डस्ट आपसे आपके कैबिनेट में आने से बचेगी। और इस वाले कैबिनेट में आप माइक्रो ATX, मिनी ATX, ATX कैबिनेट मदरबोर्ड जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप जो कि 120mm के दो फैन या 240mm के एक रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। और बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस, प्राइस पॉइंट में 3900 rupees की कुछ प्राइस है गाइस इसकी। और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आप जो कि 120mm के दो फैन या 140mm के दो फैन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर 240mm के एक रेडिएटर फ्रंट की तरफ आप जो कि तीन फैन इंस्टॉल कर सकते हैं अंदर के साइड में 120mm के, और या फिर 140mm के दो फैन या फिर 240mm का एक रेडिएटर रियर में आप 120mm का फैन जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यार बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि मेंशनड है। तो यार नेक्स्ट वाले कैबिनेट की बात कर लेते हैं सर, नेक्स्ट वाले कैबिनेट की बात करें तो यार ये आता है फिर से एंटा की तरफ से, जो कि है DF500 RGB मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। ये वाला कैबिनेट भी सपोर्ट करता है ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX कैबिनेट्स को। सामने की तरफ आप जिस देख सकते हो फुली खतरनाक सीन हो रखा है इस वाले कैबिनेट में, तीन प्री इंस्टॉल्ड एंटेक की तरफ से आने वाले फैंस आपको इसमें मिल जाते हैं 120mm के RGB फैंस हैं गाइस, फुली आप इनको जो कि ऊपर कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। सामने की तरफ एंटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं, साइड में आपको जो कि टेम्पर्ड ग्लास, फुली टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, सामने की तरफ भी टेम्पर्ड ग्लास आपको जो कि इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। और जो कि है बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस, बहुत ही अच्छा कैबिनेट है आपको ये है, परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है गाइस कूलिंग के मामले में हो या फिर लुक वाइज में। ऊपर की तरफ पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो यार दो 3.0 के पोर्ट्स हैं, और एक पावर का पोर्ट है गाइस, और दो एक ऑडियो पोर्ट और एक माइक पोर्ट आपको जो कि इस वाले कैबिनेट में प्रोवाइडेड देखने को मिल जाता है, और ऊपर की तरफ डस्ट फिल्टर पे आपको प्रोवाइडेड देखने को मिल जाता है इस वाले कैबिनेट में। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशनड है। PSU शॉर्ट भी आपको इस वाले कैबिनेट में जो कि देखने को मिल जाती है, और सामने की तरफ एयर वेंटिलेशन का भी बहुत ही अच्छा सीन हो रखा है इस वाले कैबिनेट में। अब चाहते हैं तो इस कैबिनेट के रिव्यूज़ आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस, बहुत सारे लोगों ने इस वाले कैबिनेट को जो कि परचेस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं PSU शॉर्ट भी इस वाले कैबिनेट में जो कि प्रोवाइडेड आपको मिल जाता है, और ऊपर की तरफ एयर फिल्टर भी आपको जो कि प्रोवाइड, ये डस्ट फिल्टर भी आपको जो कि प्रोवाइडेड मिल जाता है। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है गाइस, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो RGB बटन का RGB कंट्रोलिंग बटन भी आपको इस वाले कैबिनेट में देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादातर आपको कैबिनेट्स में RGB कंट्रोलिंग बटन नहीं मिलता, आपको जो कि मदरबोर्ड की सहायता से RGB कंट्रोल करनी पड़ती है, पर इस वाले कैबिनेट में सीन कुछ अलग ही है, आपको जो कि RGB बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप जो कि जो 120mm के फैंस या तीन 120mm के फैंस या 240mm के एक रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं,
फ्रंट इंस्टा की बात करें तो 3 100 mm के फैंस हैं और 2 100 mm के फैंस जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं, और पीछे की तरफ आप 100 mm के एक फैन जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा कैमरा है गाइस, पी एस एस शॉट के साथ आता है, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है गाइस, 4192 rupees की प्राइस है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। सो लास्ट कैबिनेट की बात करें तो ये आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से गाइस कैबिनेट, एंड स्पोर्ट IS300TJ जो कि एक कैबिनेट का नाम है, मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है गाइस। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है आपको जो कि ये देखने को मिलता है, इसमें भी आप जो कि ATX माइक्रो ATX मिनी ITX मदरबोर्ड्स आप जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैबिनेट के लुक्स के बारे में बात करें, सामने की तरफ आपको जो कि 120mm के 3 प्री इंस्टॉल ड्यूअल रिंग फैंस देखने को मिल जाते हैं। एंटी की ब्रांडिंग आप सामने की तरफ देख सकते हैं, टेम्पर ग्लास इंस्टॉल है गाइस सामने की तरफ। अंदर की तरफ भी बात करें तो यार आपको जो कि यहाँ पे साइड में देख सकते हैं एयर वेंटिलेशन का भी जगह है, और आपको जो कि फुली रेनबो वाला इफेक्ट जो कि देखने को मिल जाता है इस वाले कैबिनेट में। साइड में भी टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ 100mm का एक नॉन RGB फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। अगर चाहे तो आप जो कि उसको RGB फैन के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। लुक्स के बारे मामले में गाइस बहुत ही धांसु कैबिनेट आपको ये वाला कैबिनेट देखने को मिल जाता है गाइस, बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है गाइस। तो यार प्राइस भी अच्छी है गाइस, 3500 के और कैबिनेट आपको देखने को मिल जाता है, 600 rupees का है। बड़ी तरफ ईयर फिल्टर पर आपको देखने को इस वाले कैबिनेट में मिल जाता है, एक पावर बटन भी देखने को मिल जाता है गाइस, और एक रीसेट बटन देखने को मिल जाता है, एक 3.0 USB का पोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑडियो पोर्ट माइक पोर्ट देखने को मिल जाता है, और जो कि एक 2.0 का USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, और बाजू में आपको जो कि एक कुछ RGB कंट्रोलिंग बटन देखने को मिल जाता है। PS शॉट भी आपको इस वाले कैमरे में देखने को मिल जाता है, ड्यूअल रिंग जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूअल रिंग वाला सपोर्ट है गाइस इस वाले कैबिनेट में। अंदर की तरफ आपको जो कि 3 प्री इंस्टॉल्ड फैन फिर से देखने को मिल जाते हैं गाइस। अंदर तरफ जो कि ड्यूअल का मतलब है गाइस ड्यूअल इल्यूमिनेशन, सामने की तरफ भी आपको ये लाइट इफेक्ट कर देंगे, पीछे की तरफ भी लाइट जो कि इफेक्ट कर देंगे गाइस। बहुत ही अच्छा कैमरा है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। तो यार वीडियो में बस इतना ही, तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना।